हेलो एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोइम दैट इज चीयरफुलनेस टॉट बाय द रीज़न. चीयरफुल कहना है जो आपकी खुशी का कारण है, टॉट बाय रीज़न, किसी रीज़न के कारण आपको जो खुशी होती है. सो दिस इज़ रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्रोइंग. ये पोइम इस राइटर के द्वारा लिखी गई है जिसका नेम क्या है, एलिजाबेथ बैरेट ब्रोइंग. सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम. चीयरफुलनेस टॉट बाय रीज़न इज़ अ स्मॉल पोइम. एक छोटी सी पोइम है विद द बिग आइडिया, जिसका आइडिया क्या है, बहुत बड़ा है. इट कॉल्स अपॉन मैन टू लर्न टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ. ये पोइम है जो एक आदमी को सिखाती है एक आदर्शमय जीवन जीने के लिए. इट इज़ नो यूज़ कंप्लेनिंग अबाउट वट यू डोंट हैव. ये इसका कोई यूज़ नहीं है कि जो हम कंप्लेन करते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है कंप्लेन करने का. यू शुड रैदर थिंक थैंकफुल फॉर वट यू हैव. आपको इसकी जगह पर यह धन्यवाद करना चाहिए जो आपके पास है. वन शुड हैव अ ब्रेव हार्ट. एक पर्सन के पास ब्रेव दिल होना चाहिए, बहादुर दिल होना चाहिए. टू टेक थिंग्स इन अ स्ट्राइड, किसी भी चीज़ को पुलांग में लेने के लिए. रैदर देन कंप्लेनिंग दैट योर पाथ इज़ फुल ऑफ स्टोन्स, ये कंप्लेन नहीं करनी चाहिए आपका रास्ता है जो पूरा पत्थरों से भरा हुआ है. यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट योर पाथ इज शॉर्ट. आपको परमात्मा को ये धन्यवाद करना चाहिए कि आपका जो पाथ है, रास्ता है, वो बहुत छोटा है. इसमें ये कहा गया है कि जो भी आपके पास है आपको उस चीज़ को लेके खुश होना चाहिए. आपको ये कहना चाहिए मेरे पास ये है, ऐसा कंप्लेन नहीं करना चाहिए मेरे पास ये नहीं है. अगर आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं तो आपको ये नहीं कहना चाहिए मेरा रास्ता पत्थर का है, तो आपको ये कहना चाहिए कि मेरा रास्ता बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. आई थिंक यू आर टू रेडी फॉर विद कंप्लेन. मैं सोचता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन रेडी रहते हो कंप्लेन करने के लिए. इन दिस फेयर वर्ल्ड ऑफ गॉड, परमात्मा के इस फेयर वर्ल्ड में, हैड नो होप, जहाँ पे आपको कोई उम्मीद नहीं है. इनडीड बायोंड द जेनिथ एंड द स्लॉप. इनडीड बायोंड द जेनिथ, जेनिथ क्या है, द टाइम व्हेन समथिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावर सक्सेसफुल. वो टाइम जहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत ज़्यादा सफल हो जाती है. और आपका जो म्यूज वर्ड है जेनिथ एंड द स्लॉप, स्लॉप क्या है, पूरी तरह से ढाल बन जाना, जहाँ पे मतलब आपकी पूरी ढाल बन के कोई चीज़ आपके खड़े हो जाती है. और ओन ग्रे ब्लैंक ऑफ स्काई, ग्रे कलर के स्काई में यू माइट ग्रो फेंट. आप पूरी तरह से फेंट हो जाते हो. फेंट मतलब पूरी तरह से जैसे बेहोशी वाला इन्वायरमेंट हो जाना. यू ग्रेट फेंट एंड म्यूज अपॉन एक्सट्रेनिटी कॉन्स्टेंट. म्यूज होता है अ पर्सन और द स्पिरिट दैट गिव्स द राइटर पेंटर एक्सेट्रा आइडियाज और डिजायर टू क्रिएट समथिंग. मतलब कोई काम करने की इच्छा पैदा होना, टू म्यूज ओपन, आपकी कोई इच्छा पैदा होती है. एटर्निटी कॉन्स्ट्रेंड, एटर्निटी का मतलब क्या होता है, टाइम विदाउट एंड, जो आपका टाइम है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा. राउंड अवर एस्पिरेंट साउंड, जो आपकी जानने की, आगे से आगे जानने की कोई इच्छा है, और जो आपकी आत्मा की आगे से आगे जानने की इच्छा है, बट सिंस द स्कोप, उसका स्कोप आपके पास अभी बहुत ज़्यादा है, मस्ट वाइडन अर्ली, जो बहुत जल्दी फैल जाएगी. एंड इज इट वेल टू ड्रूप, क्या ये कभी मुरझा जाएगी या थक जाएगी. ड्रूप का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना या थक जाना. फॉर अ फ्यू डेज कंज्यूम्ड इन लेस और टेंट, जो आपने कुछ दिन स्पेंड किए हैं कि इसमें लॉस में, जो आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है. और टेंट क्या होता है, टू डैमेज और स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ समथिंग, जो आपकी किसी चीज़ की क्वालिटी क्या हो जाती है, आपसे लॉस्ट हो जाती है. और पुस्टिलेमियस हर्ट, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, कोवार्डली, जो आपका बहादुर दिल होता है. पुसिलेमियस हर्ट बी कन्फर्म्ड एंड लाइक अ चीयरफुल ट्रैवलर, एक खुश यात्री की तरह, टेक अ रोड सिंगिंग बी साइड द हैज. वो रोड को लीजिए जो क्या है, आपकी हैज की साइड पे क्या है, सिंग कर रही है, जिसमें सॉन्ग चल रहे हैं. बट इफ़ द ब्रेड बी बीटर द थीन इन, जो आपका ब्रेड है अगर आपको कड़वा लग रहा है, थाइन इन द थाई अनसोल्ड, टू मीट द फ्लिंट. फ्लिंट वर्ड क्या है, द टाइप ऑफ वेरी हार्ड ग्रे स्टोन, एक ग्रे कलर का स्टोन दैट कैन प्रोड्यूस अ स्पार्क. इट इज़ हिट अगेंस्ट द स्टील, अगर इसको स्टील के खिलाफ हिट किया जाए तो यह क्या करता है, स्पार्कल प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे कहता है, अगर आपको रास्ते में पत्थर भी मिलते हैं, एटलीस्ट इट मे बी सेड, आपको ये कहना चाहिए, बिकॉज द वे शॉर्ट, कि रास्ता शॉर्ट था इसलिए हमें रास्ते में पत्थर मिले हैं. द थैंक आई थैंक थी गॉड, तो उस टाइम पर भी हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद
धन्यवाद करना चाहिए। तो इस पोइम में हमें ये समझाया गया है कि हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि हमें ये कंप्लेन करनी चाहिए कि जो हमारे पास है हम उसके लिए आपके धन्यवाद हैं। और हमें ब्रेव हार्ट के बनना चाहिए, हमें ये कंप्लेन नहीं करना चाहिए हमारा रास्ता बहुत पत्थर भरा था, बल्कि हमें ये कंप्लेन करना चाहिए चाहे उस रास्ते में पत्थर थे लेकिन वो रास्ता बड़ा छोटा था। सो दिस इज़ द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोइम दैट इज़ द चीयरफुलनेस टॉट बाय द रीज़न। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी मोर एंड मोर सपोर्ट।